एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। जी हां, रिजल्ट यहां पे यूपी बोर्ड का आ चुका है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का। तो अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं, आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम हैं या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आपको लगता है कि गलत आपको नंबर दिया गया है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू है, तो मैं आज पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल पे आपको गूगल ओपन कर लेना है, टाइप करना है UPMSP। जैसे आप दोस्तों इसको टाइप करेंगे, उसके बाद दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं UPMSP का ऑप्शन आज नजर आ रहा है आपको आपके सामने, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, प्रयागराज। नीचे की तरफ ड्रैग करके आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल ऑब्लिक इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरचना यानी कि स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2024। क्लियर हो गया, चलिए इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल ऑब्लिक इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरचना के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2024, अंतिम तिथि 14 मई, ठीक है। ध्यान से आप देख रहे हैं 14 मई तक दोस्तों आप कर सकते हो। अब ध्यान से आपको पहले समझ लेना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आना है, हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हो तो यहाँ क्लिक करें, और इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर इंटर के बच्चे स्क्रूटनी कर रहे हैं तो ये दूसरा नंबर लेंगे, और अगर हाई स्कूल यानी कि 10th वाले बच्चे स्क्रूटनी करा रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको पहले हाई स्कूल का एक भर के दिखा दे, तो हाई स्कूल वाले ऑप्शन पर दोस्तों हमको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2024 के लिए स्क्रूटनी हुई तो आवेदन, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम ये डिटेल दोस्तों फिल कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर फिल कर दिया, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों हाइड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे गेट डेटा का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे कुछ इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। नीचे आना है आपको, आपको किन किन सब्जेक्टों के लिए स्क्रूटनी कराना है यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका हिंदी में कम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हिंदी में हमें कम लगा आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए हो गया, ठीक है। और आपको लग रहा है, जैसे हमको लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस में हमारा नंबर कम है तो हम यहाँ पे सोशल साइंस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर, जितने भी सब्जेक्टों को आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए ये, तो हमको मान लीजिए 2 का कराना है तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी को 3 का वो करा लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने पेपर आप सब्जेक्ट करेंगे पर पेपर आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 2, एक तो हिंदी और एक सोशल साइंस हमने सेलेक्ट किया, तो नीचे देखिए 1000 का अमाउंट हमें शो कर रहा है। अगर यहीं पे दोस्तों हम सिर्फ एक करते हैं स्क्रूटनी, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे 500 रुपये का जो ऑप्शन है वो हमें शो हो रहा है, यानी कि प्रति पेपर 500 रुपये का शुल्क लगने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संरीक्षा है तो प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपये यहाँ पे दोस्तों आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ आना है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए 4th नंबर पर आपको दिया गया है कि जमा की गई धनराशि, चालान संख्या, ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि, और ट्रेजरी यानी कि बैंक कहाँ आपने जमा किया है वो, और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, स्कैन करके वो ट्रेजरी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिए ये आपको कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक ट्रेजरी फॉर्म है जिसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद किसी भी बैंक में जाके आपको भरना है, वो जब आप बैंक में जाके सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपको चालान नंबर मिलेगा, ट्रेजरी डेट मिलेगी, और किस बैंक में आपने उसको जमा किया यहाँ बैंक का डिटेल भरना है, और उसी ट्रेजरी फॉर्म को यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड करना है। 100 से 1 MB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पता जहाँ आपको चालान भेजना है, तो ध्यान से आप देख लीजिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन UP, रीजनल ऑफिस सिविल लाइन प्रयागराज, 211003 पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है, 211003, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको दोस्तों देखिए आपको जो फॉर्म है और चालान वो दोनों भेजना है। यहाँ पे देखिए पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है,
तो पहले दोस्तों आपको सबसे पहले ट्रेजरी चालान कंप्लीट करके किसी भी बैंक में जाके अमाउंट जमा करना है। अच्छा, ट्रेजरी फॉर्म आपको भरना कैसे है, ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो अलग से दोस्तों बना देंगे। अभी ट्रेजरी फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहें। ये इस तरह से, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास ट्रेजरी संख्या के जो चालान वगैरह नहीं है, इस वजह से दोस्तों इस फॉर्म को हम आगे जो है फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मात्र इतना ही है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बैक आ जाते हैं यहाँ से दोस्तों, और हम होम पेज पे पहुँच जाते हैं। अब आपको स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो पर बैक आ गए दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों इस पर एक बार और क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं नोट ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें दोस्तों, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपसे क्लिक करेंगे, यहाँ से दोस्तों जो आपका ट्रेजरी फॉर्म है वो यहाँ पर दोस्तों फाइलिंग कम्प्लीट हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा ये इस तरह से, ठीक है। और इसी ट्रेजरी फॉर्म को आप किसी भी बैंक में ले जाके, अब देखिए इसका जो भरने का तरीका है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। आप देख पाओगे कि आपको इस ट्रेजरी फॉर्म को कैसे जो है कंप्लीट करना है, और दोस्तों वहां जाके बैंक में जमा कर देना है। जमा करने के बाद आना है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म और प्लस ये ओरिजिनल कॉपी आपको उसी एड्रेस पर भेजना जो मैंने एड्रेस बताया है, ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रही दोस्तों फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। अच्छा, ये ट्रेजरी फॉर्म के लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को देख के आराम से भर सकते हो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।